ये दृश्य है गली सेठ दुर्गा चंद में रहने वाले चांदी व्यापारी के उस मकान का, जहां दोपहर के दौरान चांदी व्यापारी ने गोली मारकर कर ली आत्महत्या। गली दुर्गा चंद में रहने वाले चांदी व्यापारी गोविंद अग्रवाल की 2 साल पहले ही शादी हुई थी। चांदी व्यापारी का कारोबार भी ठीक ठाक चल रहा था। अभी कुछ ही दिन पहले उसकी पत्नी मायके चली गई। पत्नी विवाद के तहत मायके गई या किसी और कारण के, ये तो पता नहीं लग सका। अलबत्ता इतना बताया गया कि शुक्रवार की दोपहर करीब 12 बजे गोविंद अग्रवाल अपने घर पहुंचा और घर में रखी देसी पिस्टल निकाल ली, खुद को गोली मारने का प्रयास किया। ये देखकर उसकी माँ श्रीमती कमलेश ने अपने बेटे गोविंद को रोकने का भी प्रयास किया, लेकिन तब तक गोली चल गई। गोली लगते ही गोविंद अग्रवाल खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़े। इस घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। इस घटना में घायल गोविंद और उसकी मां कमलेश को नियति अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने चांदी कारोबारी गोविंद अग्रवाल को मृत घोषित कर दिया। सर क्या मामला है? ये गोविंद कुमार अग्रवाल जी हैं, जिन्होंने अपने गोली मारकर हत्या की। ये कैसे गोली मारी? इसे पिस्टल से मारी है। अच्छा, लाइसेंसी पिस्टल होगी। अब इसकी जांच है, लाइसेंसी है या नहीं, ये जांच जांच का विषय है। जांच का विषय। तो ये घटना जो है कितने बजे का? लगभग 12:15 बजे की दिन की है। तो फिलहाल उनको हॉस्पिटल भिजवा दिया गया, वास्ते को उपचार हेतु। वहाँ पे क्या कंडीशन है? एक्सपायर एक्सपायर हो गए जी। जबकि मामूली रूप से घायल मां कमलेश को उपचार देने के बाद घर भेज दिया। इस घटना को लेकर एसपी सिटी श्रवण कुमार ने जानकारी दी। मामला है कहाँ पे? गली दुर्गा चंद। हाँ, चौक वाले। हाँ, चौक वाले में हमारे सीसीटीवी वहाँ पे गए थे, हमारे इंस्पेक्टर भी वहाँ पे गए थे। जो लड़का है उसकी 2 साल पहले शादी हुई है और आज ही उसकी 12:06 के आसपास उसकी अपनी पत्नी से बात हुई, जो पत्नी मायके में है, और इनका आपस में पारिवारिक डिस्प्यूट चल रहा था, जैसा कि आसपास में लोगों ने बताया, घर परिवार के लोगों ने बताया। और क्या सडन प्रोवोकेशन हुआ, मोबाइल पे क्या बातचीत हुई, और उसने कंटीमेट पिस्टल से अपने को सुसाइड कर लिया, गोली मारी, और उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई है। और उसकी माँ है, उसको भी हल्की सी चोट आई है, जिसको नेति में अस्पताल में ले गया, वो आउट ऑफ डेंजर है। और ये पूरा घटनाक्रम रहा है।